गाइस, आज हम आए हैं इंदिरा विकास कॉलोनी जो कि मुखर्जी नगर में है, और आज हम आए हैं यस राज बॉयज पीसी। और आप यहां देख सकते हैं यहां का लोकेशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इन्वायरमेंट यहां का काफ़ी बढ़िया है, स्पेसियस है। ये बाहर का जो छत के ऊपर का नज़ारा है, और यहां पे काफ़ी शांति है, स्पेसियस है। यहां पे वॉशरूम वगैरह हैं बाहर साइड। और अब हम जा रहे हैं एंटर करने अंदर। यहाँ पे कई सारे रूम्स हैं और सारे रूम सिंगल भी हैं, डबल भी हैं। हर रूम्स में कूलर प्रोवाइड करा गया है और सिंगल सीटर रूम भी काफ़ी अवेलेबल है, स्पेसियस है। यहाँ पे एंटर करने जा रहे हैं सिंगल रूम में, और यहाँ पे अभी वन एस्पिरेंट हैं जो कि अभी बैठे हैं, कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल सीटर रूम है, इनको कूलर प्रोवाइड कर रखे हैं, प्रॉपर टाइल रूम है और काफ़ी स्पेसियस है यहाँ रूम। आपको गर्मी से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नाम? मेरा नाम अच्युत बिश्सोई है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। वहीं यहाँ मैं UPSC के लिए आया था, UPSC की प्रिपरेशन करने के लिए। सर UPSC एंड CGL। सर आप इस PC में कब से रह रहे हैं? मतलब अभी 10 दिन ही हुआ है, उसके बाद कोचिंग वगैरह देखूंगा, ठीक रहेगा तो कोचिंग वगैरह कर सकता हूँ। सर आपने अभी कोचिंग नहीं ली है? नहीं, ज्वाइन करूँगा आज ही, पहले दिन ही। अच्छा, आपका फर्स्ट डे है कोचिंग का। सर यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? मतलब ठीक ठाक है, मतलब अच्छा लग रहा है रहने पर। अभी तो आज 10 दिन ही हुआ है, इतना कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। गाइस अभी हम 4th फ्लोर में हैं और सभी फ्लोर में सेम फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। RO वाटर, वाईफाई एंड कूलर जो भी फैसिलिटीज़ है सारे अवेलेबल मिलेंगे। और यहाँ पे हम एंटर कर चुके हैं, ये कॉमन वॉशरूम है, बेसिन लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है और ये 4-4 वॉशरूम लगे हुए हैं, लाइट वगैरह सब लगा हुआ है, स्पेसियस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आमने सामने कई सारे रूम्स है, कूलर्स प्रोवाइड कर रखे हैं इनको, पूरा टाइल लगा हुआ है। और यहाँ पे एस्पिरेंट हैं जो स्टडी कर रहे हैं अभी, और कुछ लाइब्रेरी वगैरह गए हैं, कुछ कोचिंग गए हैं। तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं इस रूम में, अभी इस रूम में एस्पिरेंट हैं, सो अब हम एंटर करने जा रहे हैं। हम एंटर कर चुके हैं और ये सिंगल सीटर रूम है, काफ़ी स्पेसियस है, टाइल लगा हुआ है, इनको कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रखे हैं, चेयर है, टेबल है, वुड सरफेस है। गाइस जो यहाँ पे एस्पिरेंट रहते हैं अभी मौजूद है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर रखा है रूम, उनको बेड वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं, कूलर वगैरह है यहाँ पे। और जो एस्पिरेंट है काफ़ी सारे कॉटेज लगा रखे हैं, यहाँ पे एक मैं कॉटेज देख सकती हूँ, इसमें लिखा हुआ है अ लिटल प्रोग्रेस एवरी डे एड अप टू अ बिग रिजल्ट, एंड काफ़ी सारे लगा रखे हैं। मैं सबको पढ़ के तो नहीं बता सकती, बट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर रखे हैं। जब आप आएंगे यहाँ पे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ के सारे स्टूडेंट स्टडी करने वाले हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। गाइस अब एंटर करने जा रहे हैं अनदर रूम, यहाँ पे भी एस्पिरेंट हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं। ये डबल सीटर रूम है और यहाँ पे कॉमन फैसिलिटीज़ है जो अदर रूम में हैं, और अभी स्टूडेंट हैं यहाँ पे मौजूद, हम इनसे पूछेंगे इनके बारे में। का नाम? रमेश। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। आपको इस PG में कितने दिन हो गए हैं? मुझे यहाँ पे आके 2 दिन हुए हैं अभी। 2 दिन हुए हैं सर आपको इस PG में? 2 दिन हुए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस PG के रिगार्डिंग? यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है, अभी 2 दिन हुए मुझे, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, लड़के भी कोऑपरेट करते हैं, रूम वगैरह भी हम यहाँ पे शेयरिंग में रहते हैं, मैं और मेरा एक भांजा है और हम दोनों अभी शेयरिंग में रह रहे, अभी 2 दिन हुए मुझे। सो हेलो सर। हाय सर, आपका नाम? महेंद्र। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं राजस्थान नागौर से। आप इस PG में कब से रह रहे हैं? मैं लगभग 1.5 महीना हो गया। आपके एक और पार्टनर होंगे, वो कहाँ पे हैं? ये सिंगल बेडरूम भी है, पार्टनर वाला नहीं है, ये एक्स्ट्रा बेड यही लगा हुआ है, उन्होंने बोला था कुछ समस्या के कारण वापस ले लेंगे। सर आप इस पर्टिकुलर रूम का कितना चार्जेस पे करते हैं? इसका चार्ज 6.5 करते हैं और कूलर का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। रूम का है 6,500 और कूलर का जो भी बिजली बिल है वो आप एक्स्ट्रा पे करते हैं। यहाँ पे काफ़ी दिल्ली में काफ़ी गर्मी हो रही है अभी, तो आपको इस PG में सफोकेशन से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम होती है? और यहाँ पे अगर सफोकेशन से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रखे हैं? यहाँ पे होती है गर्मी तो अभी बहुत पड़ रही है, उसका उन्होंने PG वालों ने कूलर दे रखा है और
वैसे भी हवा तो अंदर आती नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। आप अभी आपने कहा कि आप राजस्थान से हो, अगर राजस्थान से कोई स्टूडेंट आना चाहे यहाँ पे तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? राजस्थान में ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है, यहाँ पे फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मिलती है और यहाँ पे उनको पीजी वालों का ओनर का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, वो हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। तो मैं उनको यही सजेशन दूँगा, ये पीजी बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप एक बार विजिट कर सकते हैं। गाइस अभी हम थर्ड फ्लोर में हैं, यहाँ पे भी सेम फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे टाइल वगैरह लगा है और जो ऊपर फैसिलिटीज़ थी सेम फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी कूलर प्रोवाइड कर रखे हैं, अदर फैसिलिटी फर्नीचर के सभी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम एंटर करने जा रहे हैं इस रूम में, देखेंगे यहाँ पे सिंगल सीटर है, डबल सीटर है, एंटर कर चुके हैं, यहाँ पे अभी एस्पिरेंट मौजूद हैं और जैसा कि मुझे दिख रहा है ये डबल सीटर रूम है, डबल सीटर रूम है। आपका नाम? अरुण कुमार। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा। हरियाणा, आप इस पीजी में कब से रह रहे हैं? मैं हूँ 2 जनवरी से। आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? सही, बस ठीक ठाक। यहाँ के स्टूडेंट कैसे हैं, कोऑपरेटिव हैं? हाँ सही है, सारे बंदे सही हैं। और ओनर? ओनर भी सही है। आप डबल सीटर रूम में रहते हैं, आपके पार्टनर कहाँ हैं? मेरे पार्टनर क्लास लेने गए हैं कोचिंग। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? SSC CGL। और आपके पार्टनर? वो UPSC। आपके पार्टनर आपकी हेल्प करते हैं? हाँ कभी ज़रूरत पड़ती है तो। अगर हरियाणा से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहेंगे आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो उनको सजेस्ट करूँगा भाई, उनकी अलग अलग राय है सभी की, किसी को जैसे किसी को नहीं जैसे। गाइस अभी हम सेकंड फ्लोर में हैं और डबल सीटर रूम में है, ये डबल सीटर रूम है और यहाँ पे अभी एस्पिरेंट मौजूद हैं, हम उनके बारे में पूछेंगे उनके क्या रिव्यू है इस पीजी के बारे में। हेलो सर। हेलो। सर आपका नाम? अतुल। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? BCS के लिए। यहाँ के स्टूडेंट कैसे हैं? स्टूडेंट यहाँ पे ठीक ठाक हैं, मतलब मैक्सिमम लोग अभी तक जितने हमसे मिले हैं वो PCS या UPSC वाले, ऊपर कुछ लोग हैं SSC के। अभी हम फर्स्ट फ्लोर में मौजूद हैं और ये फर्स्ट फ्लोर का एक रूम है, यहाँ पे अभी स्टूडेंट मौजूद हैं। आपका नाम? प्रतीक यादव। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हरियाणा से, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। आपको कैसे पता चला इस पीजी के बारे में? केडी कैंपस से आउट हुए थे तो वहाँ पर किसी ने बताया था, मैंने उस साइड पीजी अच्छे हैं उस साइड देख लो, फिर आते वक्त वो जो यशराज हॉस्टल्स के नाम से उसी साइड ऑफिस है केडी कैंपस की तरफ ही, तो वहाँ देखा तो उन्होंने यही उस साइड इनका ऑफिस है तो वहाँ पर पता किया तो उन्होंने दिखाए थे। गाइस अब तक हमने इस पीजी के बारे में आपको सब कुछ बता दिए हैं, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे उन मौजूद थे, हम उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे बात करें, उनके क्या व्यूज़ है पीजी के बारे में, उनके व्यूज़ सुने। और अगर आपको इस पीजी में ज्वाइन करना है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के लिए।